अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत एलिगेंट। और मारिया भी तो खैर उनका हमेशा से डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, थैंक यू हमेशा से। शफक। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे थे, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि जी वाकई हम लोग वे ऑलवेज लुकिंग अप एट यू। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग इन्फ्लुएंशियल हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, तो हम लोग हमेशा आप लोग से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसा वेकअप पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कैंपेन, लेकिन जो कुछ भी मैं कहना चाहूंगी कि लोगों के का कॉन्सेप्ट को जो लोग इसको सही तरह परसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो मारिया भी बता रही हैं, जैद हामिद के बयान उनसे टोटली डिफरेंट होते हैं टीवी पे। तो अगर वो चाह रही है कि उनका पर्पस पाकिस्तान को बचाना ही है और वो पाकिस्तान के बारे में ही है सब कुछ, तो मे बी ही शुड बी लिटिल मोर सेंसिबल व्हेन ही इज स्पीकिंग ऑन मीडिया। क्योंकि अब इस तरह का बयान मैंने सुना कि पाकिस्तान और इंडिया में, दिल्ली में पाकिस्तान का परचम लहरा दूंगा, हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों कंट्रीज, और ये ऐसा टाइम नहीं है कि इस तरह के यू नो हीटेड बयान दिए जाएं। तो वी ट्राई टू बी मोर सेंसिबल और चीजों को क्यों भाई दिल्ली में हम क्यों पाकिस्तान का परचम लहराएं? पाकिस्तान का जो परचम पाकिस्तान में लहरा रहा है उसको हम पहले वहां तो लहरा रहे जहां पर हम हैं, वहां पे लहराएं। और बाफ़ख़र हैविंग सेड दैट, इट मोटिवेशनल स्पीकर्स से लॉट ऑफ थिंग्स टू मोटिवेट पीपल एंड टू गेट, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कायदे अज़म मोटिवेशनल स्पीकर, यस, लेकिन आज तक उनकी एक एक लफ्ज को भी ये जो एक दिल्ली का खाना जो बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू शफ़क, बहुत अच्छा लगे। देखो हम तो फैशन की बात करने आए थे यार, कल फैशन भी क्या मेकअप शुरू हो गए। मेरी अभी कलेक्शन नहीं रेडी हुई भी, मेरे कुछ सिर्फ 5 जोड़े रह दिए हैं, बाकी 15 अभी होने वाले हैं, उसकी एक्सेसरी सारी होने वाली है। अभी 4 दिन में इन्होंने अपने फैशन शो करना, बट एनीवे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट फैशन वीक, बट दिस इज माई पैशन विच इज पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फैशन वीक कैसे होगा? अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो मैं क्या हूं यार? आई एम, माई आइडेंटिटी इज माई कंट्री। तो आई से दैट जब मैं यूथ को भी इस पे लेके जा रही होती हूं, पता है मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत से यूथ मुझे देखकर एज अ मॉडरेट मुस्लिम इस मूवमेंट में आ रहे हैं, विच इज वेक अप पाकिस्तान। देखें, मैं हर एक को कहती हूं कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, एंड इट इज मोर देन वन मैन, इट्स मी, इट्स दोज 10-15 किड्स हु हैव जॉइंड मी इन दिस एंटायर मूवमेंट। लेकिन जहां तक जैद हामिद की बात है, देखें जहां उन्होंने इसकी बात की है वहां पर इश्क रसूल और पाकिस्तान की, कि किस तरह गरीबों को किस तरह हम लोग मदद कर सकते हैं, किस तरह चैरिटीज किस तरह कर सकते हैं, हमने क्या क्या सिस्टम्स बेहतर करने, ये भी साथ साथ देखिए। बातों में मुझे कोई दम नहीं नजर आता, अब मुझे दम मुझे नजर आएगा जब इंशाल्लाह हम मुहिम निकालेंगे। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ करना है सड़कों पर आए कि लोगों को साफ पानी मिले पीने को, इसके लिए हमारे एजेंसीज बनी हुई है, हुआ मेन टू प्रोटेक्ट कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जो कि नहीं काम कर रही, उधर अटैक करें। दूसरी बात है, अगर आपने कुछ करना है तो फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैं अक्सर यतीम खानों या अपाहिज बच्चों के बारे में बात करती हूँ, उनके हवाले से कुछ करें, चाइल्ड अब्यूज के बारे में कुछ करें, कुछ करें। चाइल्ड अब्यूज का भी एक ऐसा एक्चुअली है, महंगाई के बारे में कुछ करें, या व्हेन वी टॉक इस तरह की कॉन्क्रीट चीजों के बारे में बात करें, देखो जिनसे असर पड़ेगा, तालीम बेहतर करें स्कूल्स में। बिल्कुल, यू एंड मी कैन मेक अ डिफरेंस ऑन दिस लेवल इज वेल। एंड ये सिर्फ मैंने एक मुहिम इसलिए ये स्टार्ट की है कि बच्चों को देखो, मैं रोजाना लड़कियों को लड़कों को मिलती थी जो कहते थे जी ओ राइट वी डाना ए लेवल्स एंड नाउ वी ऑफ टू लेट्स से अमेरिका और यूके एंड वी नेवर कमिंग बैक मैन, एंड आई वाज लाइक ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यार। और फिर ऐसे बच्चे भी हैं जैसे हमारे जिम्मेदार शहरी हैं। हाँ, exactly, you know, exactly, जो वो तो कहते हैं कि भाई इस मुल्क को हमने ठीक करना है, हमने बातें नहीं करनी। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, डू समथिंग, मेरे साथ मारे के साथ बैठ के हम एक मुहिम करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना गलीज हो, तो आप खुद सोच लें कि उस आम शहरी की क्या इज्जत है। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी वो नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, बाय इज्जत जिंदगी पीपल, जिसे हमारे लिए कहना आसान है, मेरे लिए, आपके लिए, जैद हामिद के लिए कहना आसान है, ये करते हैं वो करते हैं, हम जाके अपने बिस्तरों में सोते हैं, हमें 3 वक्त की रोटी मिलती है, हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं, हमारे बच्चों और ये बच्चे मर रहे होते हैं ना, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, कहीं ब्लास्ट हुआ है, वो कोई और बच्चे हैं ना, किसी गरीब का बच्चा है, हमारे बच्चे और गुर्बत, हमारे और गुर्बत, महंगाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीजें और लोगों पे गिरी। टोटली, एंड मारिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी इससे पहले जो आई विल शेयर विद यू, लेकिन मोहम्मद अली कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम श्योर यू आर एडिंग इफ नॉट मिलियन पॉइंट 1 मिलियन व्यूअर्स टू योर प्रोग्राम। बात ये जो आप बातें कर रही हैं, इट्स वेरी फाइन लिसनिंग टू एवरीथिंग, बट हाउ डू यू लव पाकिस्तान एंड हाउ कैन यू सेव पाकिस्तान? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैरिटी इज अ वेरी वेरी एंशिएंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑन गोइंग
आइडियोलॉजी और एक कॉन्सेप्ट वो आज भी चल रहा है. इट्स नॉट समथिंग न्यू. मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो हर बंदा अपनी इंटरप्रेट करता है. लेट अस सिट डाउन अगेन द एंटायर नेशन एंड द इंटेलेक्चुअल्स एंड द पॉलिटिशियन एंड ब्रिंग आउट समथिंग विच इज वेरी कॉन्सोनेंट टू इस्लाम, जो हमारी बुनियादी चीज है. अब बात यह है, मैं यहां पर आपसे कहूंगा, मैंने परहैप्स टू इयर्स बैक इन योर वन प्रोग्राम सेड कि अगर आप करप्शन को कंडेम करें विद ऑल योर हार्ट सोल एंड माइंड और प्रीच करें अगेंस्ट करप्ट एंड द करप्शन एंड दैट टुक अ वेरी वेल इन पाकिस्तान. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मौदरी साहब. दूसरा देन रिवॉर्ड ऑल्सो प्रीच दैट द ऑनेस्ट एंड द एफिशिएंट विल बी रिवॉर्डेड. अब मैं आपको यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि इस कौम के बच्चे, इस कौम के नौजवान जो एडल्टहुड में जा रहे हैं वो आपकी मल्टीनेशनलाइजेशन से दबाव बर्बाद हो रहे हैं. अब मैं बच्चों की बात करता हूं. कर रहे हैं आप, आपने उनको टॉफियां खिलानी सिखा दी हैं, आपने वो खाना नहीं खाते बिस्कुट खाते हैं, आपने उनको बेवरेजेस पिला दिए वो दूध नहीं पीते. आप तो एक कल कम्युनिटी वे का जिसे कहते हैं ना, टीवी पैदा कर रहे हैं इंटरनेशनल. तो बात ये मल्टीनेशनलाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनी है हम बात करते हैं उन्हें डिसिमेट करें. लेकिन देखिए सही कह रहे हैं आप मोहम्मद अली साहब, मल्टीनेशनल. लेकिन कितने लोग बेरोजगार होंगे जब मल्टीनेशनल जाएंगे. दूसरी बात ये, हम अपनी चीजें आप फॉर एग्जाम्पल हम भी तो बाहर लेके जाते हैं अपने कपड़े. नहीं ये बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है. आपकी मैं आपकी बात अलाउ मी दिया था. अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद अली साहब. देखिए अलाउ मी टू से वन थिंग जी, अलाउ मी आपको मैं बताता हूँ. आप जो कहती है ना बेरोजगारी होगी, आपके 10 साल पहले 4 खरब के जो थे रेवेन्यूज थे, अब 18 खरब हो गए. बेरोजगारी बढ़ गई. मेरे ख्याल में अगर हम ये देखें, बहुत शुक्रिया फोन करने का मोहम्मद अली साहब. अगर आप ये भी सोचें कि हमारे जो अखराजात हैं हमारे गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टरों के उनके अपने जाती अखराजात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चोरियां जो हो रही हैं ज्यादातर, ये हमने कल शो पे इब्राहिम मुगल साहब ने बात की मिडलमैन की, तो मिडलमैन चोरियां कर रहे हैं, जो हुकूमत में चोरियां हो रही हैं, जो मुनाफाखोर बैठे हुए हैं. लेकिन सबसे एक खूबसूरत बात यूसुफ शेख कुरैशी ने मुझे की बाद में जो प्रोग्राम खत्म हो गया, कि हम बैठ के सबको गालियां दे सकते हैं लेकिन अगर हर इंसान, हर शहरी, हर पाकिस्तान का रहने वाला खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले सिर्फ अपने शऊर का, अपने अंदर की करप्शन का, बजाय इसके कि हम आप किसी और पे उंगली उठाएं. यही ये मूवमेंट है नादिया. इतनी खूबसूरत बात नादिया ने की है कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू, द चेंज कम्स फ्रॉम यू. आपके मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने हराम का नहीं खाना, मैंने किसी को दुख नहीं देना, आइडियोलॉजी पाकिस्तान की समझ लें. एंड देन इवेंचुअली जब बात कर रहे थे ना, आई लाइक टू से समथिंग, मल्टीनेशनल्स अगर यहां से जाएंगे, बेरोजगार कुछ लोग होंगे, लेकिन उससे हमारी स्मॉल बिजनेसेस जो कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो करेगी, तो उसमें हाँ उस वक्त लगता है क्या होगा. हमारी पाकिस्तान इश्यूज मल्टीनेशनल्स बीइंग थ्रोन आउट. मैं तो सबसे पहले कहती हूँ कि तोड़ेंगे बेगिंग बोल जो हम ले लेके फिरते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इज एनस्लेविंग द होल वर्ल्ड. ठीक कह रही हैं, द फूड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय 3 or 4 कंपनीज. बहुत खैर ये तो बहुत लंबी बहस चल सकती है. बेस्ट ऑफ लक, प्रोग्राम खत्म होने वाला है. कॉलर्स हमारे लाइन अप हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फैशन शो. मारिया ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि बेशक आपकी और मेरे ख्यालात और कुछ आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ हों, इस पे हम मुत्तफिक ना हों, लेकिन एक बात पे हम सब मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, साथ हैं. हम एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं, हम इस मुल्क में नई राहें बनाना चाहते हैं और हम इस नेशन को बिल्ड करना चाहते हैं. चाहे कोई भी हमारी सोच हो, कहीं के भी हम हो, लिबरल हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूं आप जो भी हो, कहां भी हो, जैसे भी हो, अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के काम करते हैं. And I'm with you, on board with you, thank every step you. Of the way, Maria. Thank you so much. Dum dum diga ho gaya. This is for you. Oh, that's beautiful. Thank you. Take care of yourself, Pakistan. Zindabad.